Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter number 7, that is even and odd numbers. Children, ये जो chapter है ये मैंने start किया था आपके evaluation 1 से पहले. ये मैंने explain कर दिया था कि odd numbers और even numbers किसको बोलते हैं, पर इसकी एक्सरसाइज बच गई थी. उसके बाद आपके इवैल्यूएशन स्टार्ट हो गए थे, तो फिर हमारे वीडियो क्लासेस बंद हो गई थी. अब आपके इवैल्यूएशन ख़त्म हो गए हैं और आपके वीडियो क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं, तो हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम रिज्यूम करेंगे, इसको वापस से करेंगे वहीं से. चिल्ड्रन, आई होप आपके इवैल्यूएशन अच्छे गए होंगे, आपने अच्छे से पढ़ाई की है और अच्छे से पेपर दिया होगा. और अब हम आगे का पढ़ेंगे. तो अगर आपने 22 डेट का वीडियो देखा होगा, 22 सितंबर का, तो आपने आपको समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स किसे कहते हैं. मैंने आपको बताया था जिन नंबर्स के पार्टनर होते हैं, जिन नंबर की पेयरिंग की जा सकती है, उसे हम कहते हैं इवन नंबर. और मतलब जो नंबर अलोन नहीं होते हैं, जिनके पार्टनर्स होते हैं, जिनके पेयर बनाए जा सकते हैं, वो होते हैं इवन नंबर्स. और जो अकेले रहते हैं, जो अलोन होते हैं, जिनका पार्टनर नहीं होता, जिनकी हम पेयरिंग नहीं कर सकते, वो होते हैं ऑड नंबर्स. आपको मैंने तरीका बताया था कि वंस की प्लेस हम चेक करेंगे, चाहे 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, हम वंस की प्लेस को चेक करेंगे. और वंस की प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक नंबर है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस की प्लेस पे है तो यानी कि वो नंबर इवन नंबर है, अदरवाइज़ वो नंबर ऑड है. बहुत ही सिंपल तरीका है इसको पता करने का. बस आप वंस की प्लेस चेक कीजिए. वंस की प्लेस पे आपको चेक करना है 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक नंबर अगर वंस की प्लेस पर है तो इसका मतलब आपका पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है. ये इसी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो आज हम करने वाले हैं क्या एक्सरसाइज. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 98, और फर्स्ट पार्ट ही हम करेंगे. यहाँ पे बहुत सिंपल ढंग से लिखा है, नंबर्स दैट कैन बी पेयर्ड आर कॉल्ड इवन नंबर्स, नंबर्स विच के नॉट बी पेयर्ड आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. सिंपल दो सेंटेंसेस लिख दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, पार्टनर्स बना बना के एक्सप्लेन किया था आपको मैंने. आपको वंस की प्लेस के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. डेट 22 सितंबर का वीडियो एक बार देख लीजिए, ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने नहीं देखा है तो. ठीक है, चलिए अब आगे हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज है पेयर द ऑब्जेक्ट. पेयर द ऑब्जेक्ट, अब क्या करना है इसमें, इसको थोड़ा सा और साइड में लिख देते हैं कि ये पूरा इसमें एडजस्ट हो, बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट मैनी थिंग्स. ये मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया. हेयर आई विल राइट पेयर द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी आर लेफ्ट अनपेयर्ड. हाउ मैनी आर लेफ्ट अनपेयर्ड, और लास्ट में है बताना है आपको कि वो इवन है या कि ऑड. ठीक है, अब आप अपने बुक में देखिए, कुछ पिक्चर्स बने हैं. आई विल ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स जितना पॉसिबल होगा, मैं कोशिश करूँगी, अदरवाइज आई विल राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर मुझे ड्रॉ करने नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि ऑब्जेक्ट का नाम ही लिख दूँ. ठीक है, तो पहला तो एप्पल है, दैट आई कैन ड्रॉ ईजिली, सो मैं वो बना दे रही हूँ. ऐसे एप्पल्स बने हुए हैं, इफ़ यू कैन सी, ये हो गया आपके कितने एप्पल्स हैं, लेट्स काउंट इट, लेट मी ड्रॉ एंड देन आई विल काउंट इट फॉर यू. और आप अपने आप से भी काउंट कर सकते हैं. आई होप ये आपको एप्पल लग रहे होंगे. 6 एप्पल्स हैं, तो इसकी हम पहले पेयरिंग करके देख लेते हैं. ठीक है, ये हमारा 1, 2 पेयर हो गया, 1 एंड 2 हो गया ना. इस ये दोनों आपस में फ्रेंड हो गए, ये एप्पल और ये एप्पल, और ये भी फ्रेंड्स हो गए, ये दोनों फ्रेंड्स हो गए, ये दोनों फ्रेंड्स हो गए, ये दोनों भी फ्रेंड्स हो गए. मतलब कोई भी ऐसा एप्पल अकेला बचा है, जिसका कोई ऐसा एप्पल है जिसका पार्टनर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, है ना. तो कोई भी ऐसा बचा नहीं है, तो हम लिखेंगे नन, मतलब एक भी अकेला एप्पल नहीं बचा है. और जब ऐसा होता है, जब हर एप्पल का पार्टनर है, ठीक है, तो वो क्या नंबर होता है, वो होता है इवन नंबर. यानी कि हमारा जो ये एप्पल वाला है वो
इवन नंबर है क्योंकि हर एप्पल का एक पार्टनर है। नेक्स्ट में बलून्स बने हुए हैं, तो लेट मी ड्रॉ बलून्स। ये हो गया हमारा एक बलून, ये भी हो गया एक बलून, ये भी बलून हो गया, ओके। चलिए अब हम इनकी पेयरिंग कर लें। ये एक पेयर हो गया है ना, वन टू, एक वन एंड टू पेयर हो गया, ये भी, ये दोनों का पेयर हो गया। कितने बलून बच गए अकेले, ये बेचारा अकेला रह गया, इसको थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला बलून अकेले रह गया, इसका कोई पार्टनर नहीं है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है मान लो, ठीक है, इसका फ्रेंड नहीं है या पार्टनर नहीं है, पेयरिंग नहीं हो पा रही, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एक अकेला बचा। हाउ मेनी आर लेफ्ट अनपेयर्ड, तो वन, एक ऐसा है जिसका कि कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड है, ठीक है। जब पेयर, जब कोई भी एक ऐसा बच जाता है जिसका कोई पेयर नहीं होता तो वो ऑड नंबर हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए दोनों पिक्चर्स। नाउ आई विल इरेज इट एंड ड्रॉ अदर, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बस आपको पेयरिंग करके देखना है। अगर कोई अकेला बच जा रहा है तो वो ऑड नंबर हो जा रहा है, अगर नहीं बच रहा है तो इवन नंबर हो जा रहा है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। चलिए अब क्या बना है, अब टॉप बना हुआ है। लेट मी ड्रॉ टॉप फॉर यू, तो कोशिश करते हैं बनाने की। ये अब तो बच्चे शायद टॉप खेलते भी नहीं हैं, है ना, पहले बच्चे बहुत खेलते थे टॉप। मैं ये हो गया, ये हो गया एक और टॉप। मैं थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिए, आप काउंटिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ड्राइंग तो जल्दी जल्दी में कैसा भी बन सकता है। आई एम ड्राॅइंग इट बिकॉज इन योर बुक इट इज़ ड्रॉन, अदरवाइज मैं लिख के भी काम चला सकती थी या कुछ और बना देती, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि वो जो भी ड्राॅइंग बनी है कोशिश करूँ कि मैं बना सकूँ। यहाँ पर एक और बना देते हैं, चलिए हमने कुछ टॉप बना दिए, ठीक है। अब काउंट करते हैं कि कितने हैं ये, किसके किसके पेयर्स हैं, तो हम पेयरिंग करके देखते हैं। चलिए ये दो पार्टनर हो गए, फ्रेंड फ्रेंड हो गए, यहाँ पे ये दो फ्रेंड हो गए, यहाँ पे ये दोनों फ्रेंड हो गए, ये तो हमारे फ्रेंड्स हो गए। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को फ्रेंड्स बना देते हैं। चलो भाई तुम लोग भी फ्रेंड बन जाओ और तुम दोनों भी फ्रेंड बन जाओ, सबके पार्टनर मिल गए, ये दोनों पार्टनर हो 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 गए, मतलब सबको अपना फ्रेंड मिल गया, सबके पार्टनर्स हो चुके हैं, कोई भी अकेला नहीं बचा। तो अकेला कुछ नहीं बचा है तो हम लिखेंगे नन, और ये हो गया हमारा इवन नंबर। ये क्या है, इवन नंबर, ओके, ईजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ बॉल्स बने हुए हैं, कलरफुल बॉल्स हैं, वो बना देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। ये हो गया एक बॉल, ये हो गया आपका दूसरा बॉल, यहाँ पर हो गया थर्ड बॉल, एक बॉल यहाँ बना देते हैं, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, सो वी हैव सेवन बॉल्स। नाउ लेट्स मेक पेयर, अब इसकी पेयरिंग करके देखते हैं। ये दोनों फ्रेंड हो गए, आई होप ये पूरा फ्रेम में आ रहा है, यस आ ही रहा है। फिर ये दोनों फ्रेंड हो गए और ये दोनों फ्रेंड हो गए, ये बेचारा अकेला रह गया, अलोन, इसका कोई पार्टनर नहीं है, है ना, ये अकेला बच गया। हाउ मेनी आर लेफ्ट अनपेयर्ड, वन, एक ऐसा है जिसका कि साथी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, बस सिंपल। समझ में आ गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप
समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट एज फास्ट एज पॉसिबल. कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ड्रॉ करूँ. आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है मुझे. सॉरी, ये मिट गया, इसको फिर से लिख देते हैं. पेयर दी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब क्या है, अब यहाँ पे कुछ फेसेस बने हुए हैं, किसी डॉल बेबी का फेस बना हुआ है. नाउ दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा सा, डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन उसको ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये हैप्पी फेसेस बना देती हूँ. ठीक है, आपने मोबाइल में देखा होगा ना, कुछ इमोजीज होते हैं. तो यहाँ पे एक और फेस बना देते हैं, एक और फेस बना देते हैं, और एक फेस और बना देते हैं. अच्छा, इमोजीज में नाक नहीं होता, आपने नोट किया है ना, किसी की नोज़ी नहीं होती है, तो इसमें भी हम नोज़ी नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, इसलिए फटाफट इसको ख़त्म कर दिया हमने. ठीक है, चलिए अब पेयरिंग करके देख लेते हैं. पेयरिंग करें, चलो भाई तुम दोनों फ्रेंड बन जाओगे कि तुम दोनों को बना दूँ. चलो ये दोनों फ्रेंड बन गए. ठीक है, अब ये दोनों फ्रेंड हो जाएंगे. आ जाओ फ्रेंड बन जाओ. ये दोनों भी फ्रेंड हो गए, ये दोनों भी फ्रेंड हो गए, बेस्ट फ्रेंड हो गए, और ये दोनों भी फ्रेंड हो गए. चलो, कोई अकेला बच गया? कोई ऐसा है फेस जिसका कोई फ्रेंड नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है, है ना, सबके फ्रेंड्स हैं, है ना. तो यहाँ भी हम लिखेंगे नन. जब कोई भी अकेला नहीं बचेगा, नन मतलब एक भी नहीं, कोई नहीं. नन का मतलब होता है एक भी नहीं. ठीक, तो अब क्योंकि कोई भी ऐसा अकेला बचा नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, इवन नंबर है. दिस इज़ ऑल्सो इवन नंबर. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो. मैंने आपको बताया था ये बहुत ही इजी है, अगर पिक्चर वाला है तब तो और भी इजी है, और अदरवाइज आपको तो वंस की प्लेस देखकर ही पता चल जाएगा कि क्या है. अब एक लास्ट पिक्चर बची हुई है, वो मैं बना देती हूँ. देर आर सम सॉक्स, तो ये हमारा हो गया सॉक्स वन. जल्दी जल्दी हम सॉक्स भी बना दे रहे हैं. टू, देन वी हैव दिस, थ्री, ये हो गया फोर. फिर यहाँ पे बना देते हैं फाइव, ये है सिक्स. देन वी हैव सेवन, ये हो गया हमारा एट. देन एक पेयर यहाँ भी बना देते हैं नाइन. देन फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी मुझे देखना है. चलिए एक यहाँ कॉर्नर में भी बना देते हैं क्योंकि कैमरे के फ्रेम में पिक्चर का आना भी तो ज़रूरी है ना. कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड वील हैव वन मोर. एक और बना देते हैं. चलिए अब हमारे ये पूरे सॉक्स रेडी हैं. अब करेंगे हम इनकी पेयरिंग. इन दोनों को पेयर बना देते हैं. ये बन गए फ्रेंड्स. चलो फ्रेंड्स क्या है, मतलब सॉक्स तो पेयर में ही पहनते हैं ना, एक कोई एक पैर में तो पहनता नहीं है, जोड़े में ही पहनते हैं. तो ये भी हो गए, दोनों पैर में पहन लेंगे हम. ठीक है, इसको भी दोनों को हम पैर में, दोनों पैर में पहन लेंगे, हालांकि साइज़ थोड़ा अलग लग रहा है. ठीक है, ये दोनों को पहन सकते हैं एक साथ, ये दोनों भी पहन सकते हैं, और इन दोनों को भी पहन सकते हैं. तो अब बचा कौन बेचारा अकेला, इस ये वाला सॉक्स है, इसका कोई भी पेयर नहीं है, ये रह गया हमारा अकेले, है ना, अलोन. तो कितना, हाउ मेनी आर लेफ्ट अनपेयर्ड, विल से वन, एक ऐसा है जिसका कि कोई पेयर नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑड नंबर, क्योंकि इसका कोई पार्टनर नहीं है. बस ये इतना ही है इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए. आप अगर पिक्चर है तो आप पेयरिंग कर लो, लेकिन हर बार पिक्चर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं. जब ज़्यादा नंबर होते हैं तो ड्राइंग हर बार पॉसिबल नहीं होती है. तो जैसा मैंने आपको बताया, वंस की प्लेस आप चेक कीजिए,
वंस की, अगर नंबर सिंगल है तब तो सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर डबल डिजिट है, टू डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट नंबर है, तो आप सिर्फ वंस की प्लेस देखिए, वंस की प्लेस पे चेक कीजिए 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई भी एक नंबर अगर वंस की प्लेस पर है तो समझ लीजिए कि वो नंबर इवन ही है, अदरवाइज़ वो नंबर ऑड होगा बस। और सबसे बेस्ट वे है इसको ऐसे समझने का। चिल्ड्रन, अभी हमारे एक दो एक्सरसाइज और बची हुई है, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।